गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में जो प्री बोर्ड एग्जाम यानी टेस्ट 3 जनवरी 2024 कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी, तो इसमें जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उस टेस्ट पेपर का सलूशन है। हमने आप लोगों से बोला था कि जनवरी में 4 टेस्ट होंगे और उन 4 टेस्टों में से ये टेस्ट नंबर 3rd है। अभी एक लास्ट पेपर और भी होगा जो 2 तारीख को 1-2 के आसपास है ना, तो ये थर्ड टेस्ट है। ये प्री बोर्ड समझ लीजिए, इसमें 1 से 14 चैप्टर तक पूरा है बोर्ड पैटर्न पर है ना, तो उसका सलूशन पेपर के लिए आप लोग इसमें से देख सकते हैं। वैसे आप चैनल में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट के बगल में एक कम्युनिटी ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको ये सब पेपर मिल जाएगा। अब ऐसे यहाँ हम अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, केवल उसका सलूशन लिखेंगे। पेपर के लिए बता दिया, चैनल में जाओगे, चैनल में जहाँ पर ऑप्शन प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है उसी के बगल में एक कम्युनिटी होगा और उस कम्युनिटी में ये आपको मिल जाएगा पेपर है ना। पेपर फोटो में आपका आ रहा है तो ठीक है, नहीं वहीं पर आपको देखना पड़ेगा। तो टेस्ट 3rd जनवरी, ठीक, फिजिक्स 12th क्लास। जी, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो लिखा हुआ है, एक कूलाम आवेश वाले पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। मैं यानी क्यू इज द करेक्ट ऑप्शन वाला है क्वेश्चन नंबर 1st में, और उसमें पहला है लिखा, एक कूलाम आवेश वाले पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। कोई एक पृष्ठ है जिसके अंदर आवेश 1 कूलाम है, तो उसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो फाई इक्वल टू होता है 1 अपॉन ε₀ इंटू क्यू, तो क्यू की वैल्यू 1 कूलाम दिया है, तो यहाँ क्यू की वैल्यू 1 लिख देंगे तो 1, तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन ε₀, ये इसका आंसर होगा। ताप प्रतिरोध गुणांक का मात्रक, दूसरा क्वेश्चन है, ताप प्रतिरोध गुणांक का जो मात्रक होता है वो डिग्री सी इनवर्स होता है। ताप प्रतिरोध गुणांक का मात्रक डिग्री सी इनवर्स। तीसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ जोड़ा जाता है। कोई अमीटर है और उस अमीटर को यदि विद्युत परिपथ के साथ कनेक्शन करना हो, तो अमीटर का विद्युत परिपथ के साथ कनेक्शन जब किया जाता है तो श्रेणी क्रम में किया जाता है ना, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और चौथा पॉइंट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा अंगुली प्रदर्शित करती है। ये नियम था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, ये नियम था। और इसमें मध्यमा, मध्यमा क्या? तो ये अंगूठा जो है वो गति को प्रदर्शित करता है, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को, तो मध्यमा जो है वो प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है। प्रेरित धारा, विद्युत धारा जो भी कह दो। और पांचवा नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा, विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की जो दिशा होती है वो ई क्रॉस बी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा निकालना हो तो ई क्रॉस बी। और छठवा नंबर है, किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है? किस रंग के लिए? आप जानते हैं कि 1/f इक्वल टू होता है μ-1 1/r₁ - 1/r₂, तो जिसका वर्तमांक कम होगा उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। तो इसमें बैंगनी का, लाल रंग का वर्तमांक कम होता है, लाल का वर्तमांक कम होता है तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। अब बैंगनी का वर्तमांक अधिक होता है तो फोकस दूरी कम होगी, यानी
भी आई बी जी वाई ओ आर, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये इस प्रकार से है। तो इसमें आपको बता दें, इसमें ये बता दें, इसकी जिसकी यानी इसका वर्तनांक बैंगनी रंग का वर्तनांक जो है ज़्यादा होगा तो फोकस दूरी कम होगी, और लाल रंग का वर्तनांक कम होगा तो फोकस दूरी अधिक होगी, यानी इस क्रम से फोकस दूरी अधिक होगी। तो इसमें ये बताना है कि किस रंग की फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। तो ये बता दें कि यदि लाल रंग इसमें दिया है, जितने विकल्प दिए गए हैं उनमें यदि लाल रंग दिया है तो सबसे अधिक फोकस दूरी लाल रंग की होगी। क्या कहा हमने, ये आपको बता दें, ये बैंगनी का वर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है, ये फोकस के लिए ये है, ये इस प्रकार से फोकस दूरी इस क्रम से अधिक होगी, बैंगनी की फोकस दूरी सबसे कम होगी, लाल की सबसे अधिक होगी, है ना। तो लाल की सबसे अधिक। अब यहाँ देखना ये है कि क्या इसमें लाल दिया है, सबसे अधिक फोकस दूरी लाल रंग के लिए होगी। सबसे अधिक फोकस दूरी किस रंग के लिए होगी, लाल रंग के लिए होगी, ठीक है ना। तो इसमें देखो लाल है तो ठीक है, नहीं है। फिर अब आता है कि नारंगी के लिए होगी, तो इसमें नारंगी भी देखिए है कि नहीं है, नहीं है। फिर क्या है, पीला रंग होगा, तो पीला इसमें दिया है कि नहीं, तो पीला रंग, तो इसका आंसर होगा पीले रंग के लिए, ठीक है ना। ये आप जान लो, सबसे ज़्यादा लाल, फिर इसका इसका सबसे कम बैगनी का होगा, तो इसमें देख लो कौन कौन दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो में फिल इन द ब्लैंक्स, दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें लिखा है 45 अंश के कोण से प्रवेश करने वाले कण, कोई आवेशित कण है, कोई एक आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में 45 अंश का कोण बना के जा रहा है, कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 45 अंश का कोण बना के जा रहा है, तो उसके अंदर जब जाएगा तो उसका मार्ग कैसा होगा। तो आप लोगों को हम याद दिलवा दें कि जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो मार्ग सरल रेखा होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो मार्ग वृत्ताकार होता है, और यहाँ पर न्यून कोण बना के चलता है 45 अंश, तो इसका मार्ग जो है वो कैसा होगा, कुंडलनीवत होगा। ये कुंडलनीवत, हेलिकल बोलते हैं इंग्लिश में, हेलिकल, कुंडलनीवत। ये और दूसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के खाली स्थान होती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। फिर है लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा ई बराबर होता है एच न्यू पर इसी में सी अपान लैम्डा। ये लैम्डा तरंग दैर्ध्य दिया है तो उसके हिसाब से तो ई बराबर एच सी अपान लैम्डा होगा, एक फोटॉन की ऊर्जा। और डी नंबर में प्रत्येक परमाणु का ऊर्जा स्तर विविक्त होता है, ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, समदूरस्थ नहीं होते हैं, यानी विविक्त, ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं। ये ई नंबर में क्या है, यहाँ ये बोला है स्थायी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या, यदि कोई परमाणु स्थायी है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50
बयासी 126 होती है। यदि कोई परमाणु ज़्यादा स्थायी है, अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 2 होगी या 8 होगी या कि 20 होगी या 28 या 50 या 82, 126। इन संख्याओं को स्थायीकृत संख्या कहते हैं। स्थायीकृत संख्या कहते हैं इनको। इन्हें क्या कहा जाता है? स्थायीकृत संख्या, इंग्लिश में मैजिक नंबर बोलते हैं। फिर इसमें बोला है पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो इलेक्ट्रॉन। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक वैसे होल होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक। लेकिन यदि अल्पसंख्यक आवेश वाहक की बात करें तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक। फिर इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन में है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देख लीजिए क्या होता है। इसमें पहला लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो इसमें लिखा है -13.6 जूल। -13.6 तो सही है, पर यदि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तब, यहाँ लिखा है -13.6 जूल, यानी ये असत्य है। दूसरा पॉइंट, सीजियम का कार्य फलन सबसे अधिक होता है, सीजियम का कार्य फलन सबसे कम होता है, ये भी असत्य है। सबसे अधिक होता है प्लेटिनम का। तीसरा बोला है प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं, प्रकाश के दो अलग अलग स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते, ये भी गलत है। चौथा है ताप बढ़ाने पर माध्यम का वर्तनांक घटता है, ये सत्य है। और पांचवा नंबर है खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है, अभिदृश्यक लेंस की ज़्यादा, ये भी सत्य है। ये तो ये रहा सत्य सत्य का। इसके बाद इसमें है माइल द कॉलम। माइल द कॉलम में इसमें देखिए सही जोड़ी चौथा, इसमें ए बी लिखा लिख के दिखाते हैं। इसमें लिखा है अश्व शक्ति हार्स पावर शॉर्टकट में, और दूसरा है किलोवाट घंटा यानी KWH, और तीसरा है प्रतिरोध, फिर अगला है प्रतिरोधकता, फिर है चुंबकीय फ्लक्स और है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। इसमें दिया है फैराड दिया है, शक्ति दिया गया है, ऊर्जा दिया गया है, ओम गुणे मीटर दिया है, ओम दिया है, हेनरी दिया है और वेबर दिया है। यहाँ ए बी सी डी ई एफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अश्व शक्ति जो है, हार्स पावर जो है वो किसका मात्रक है? शक्ति का।
तो यानी इसका ये ए नंबर ये हो गया। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का, ये भी ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणे मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। स्वप्रेरकत्व का हेनरी। ये किसी का नहीं है, ये किसी का है, ये नहीं है, एक्स्ट्रा है। अश्वशक्ति हार्स पावर मात्रक है किसका? शक्ति का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का। प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोधकता ओम गुणे मीटर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। स्वप्रेरकत्व हेनरी। ये हो गया, ठीक है ना। फिर आ जाता है पांचवा नंबर, यानी उसमें एक वाक्य में आंसर देना है, एक वाक्य में आंसर, एक वाक्य एक शब्द, इसमें पांचवा नंबर आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। लिखा है एक अर्ध चक्र में, एक चक्र में नहीं, एक पूर्ण चक्र नहीं है, एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 2I0/π होता है। एक अर्ध चक्र में औसत मान धारा का जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा का मान, एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है, अब आधे चक्र में 2I0/π होता है। दूसरा है विवर्तन के लिए शर्त। तो विवर्तन के लिए शर्त क्या होता है? द्वारक या अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। द्वारक या अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ये है द्वारक या अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तभी विवर्तन प्रतिरूप देख सकते हैं। बोर का क्वांटम प्रतिबंध L=nh/2π, n=1, 2, 3, आईएच प्लांक नीतांक। और चौथा है, किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के लिए। बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है प्रिज्म में देखा जाए तो। क्या समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? हाँ, बन सकता है, जब उसमें किरणें अभिसरित होकर आएंगी तो बिल्कुल बन सकता है। जब किरणें अभिसरित होकर आएंगी, अभिसरित होकर के, तो उसमें प्रतिबिंब बन सकता है। ये रहा। फिर क्वेश्चन नंबर छठवां में क्या है देखिए। क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन में लिखा है, एक हीटर की शक्ति 1.5 किलोवाट है। एक हीटर की शक्ति, शक्ति बोले तो P=1.5 किलोवाट, तो 1.5 × 10³ वाट, ठीक है। और 30 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा? T का मान दिया है 30 मिनट, और 30 मिनट दिया है तो 30 × ये 1800 सेकंड हो गया। एक हीटर है जिसकी शक्ति 1.5 वाट है, 1.5 किलोवाट, हाँ 1.5 किलोवाट है ना, 1.5 किलोवाट है, और उसमें चालू कर दिया जाए तो 30 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा वो?
30 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो ये आपको बता दे पी बराबर होता है डब्लू अपान टी, और यहाँ इसी को लिख सकते हैं पी बराबर एच अपान टी, तो एच बराबर पी टी, ये कार्य ही ऊष्मा होगी यहाँ। तो एच का मान निकालना है, पी का मान 1.5 गुणे 10 यहाँ 3 गुणे ये 1800 है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका गुणा कर देते हैं कितना आएगा, इसका पहले दशमलव हटा देते हैं, 15 गुणे 18 गुणे 10 की घात 5 4 एठो जीरो इसको दे दिए तो ये 15 हो जाए, पहले सुनना एक जीरो इसको दे दी थी ये 15 हो गए, तो 10 की घात 2 और ये 18 और 10 की घात 2 है 10 की ये 4। अब एच बराबर 15 अट्ठे 120 12 15 एकम 15 12 120 सुन 12 15 एकम 15 12 27 ये अच्छा एठो क्या किया 120 पंद्रह अट्ठे 120 कीजिए 12 आ गया, और 15 कम 15 ये गुणे 10 की घात 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.7 गुणे 10 की घात 6 जूल। ये ठीक, कैलकुलेशन कर लेना, कहीं मिस्टेक है तो आप सुधार भी सकते हो। ये एच बराबर 2.7 गुणे 10 की घात 6 जूल, ये आ गया। ठीक है, और उसके आर में लिखा है, छठवें क्वेश्चन के आर में क्या लिखा है उसको भी देख लीजिए। एक बल्ब है ये एक बल्ब है, इसमें लिखा है 12 वोल्ट और 200 यानी 24 वाट, इसमें 12 वोल्ट लिखा है 24 वाट लिखा है। एक बल्ब है जिसमें 12 वोल्ट और 24 वाट लिखा हुआ है, अब कहता है विद्युत धारा प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी आपको भी बराबर दिया है 12 वोल्ट, अब पी बराबर दिया है 24 वाट, I बराबर ज्ञात करना है, R बराबर ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है P बराबर भी I, P बराबर तो I बराबर यही क्या हो जाएगा P बटे भी, P बराबर भी I होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा I बराबर P बटे भी, तो P का मान कितना दिया है 24 और इसका मान कितना दिया है तो 2 एम्पियर, आई का मान कितना हो गया 2 एम्पियर की धारा होगी उसमें। पी बराबर भी आई फार्मूला होता है, पी बराबर भी आई तो आई बराबर पी अपान भी है ना। अब यहाँ पर पी का मान दिया है 24, अभी का मान ये तो ये आ जाएगा। अब पुनः दूसरा नंबर, पी बराबर एक फार्मूला होता है भी स्क्वायर अपान आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा P स्क्वायर अपान भी, तो P का मान कितना है, चौबीस का स्क्वायर अभी का मान कितना है 12, तो ये 24। अब इसमें देखिए
तो ये 24 गुणे 24 और ये 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूना 48 ओम आर बराबर। तो ये हो गया इसका। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 का आर। ठीक, इसके बाद इसमें सातवां है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम जो है प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, 4 चैप्टर। आर में संधारित्र धारा को रोक देता है, 7 चैप्टर में जाएंगे। लेंज का नियम 6 चैप्टर में। विद्युत का जड़त्व बता दें, सुन लो, बहुत कम बच्चे जान पाते हैं। विद्युत का जड़त्व जो होता है वो स्वप्रेरण है, स्वप्रेरण ही विद्युत का जड़त्व है, स्वप्रेरण। 6 चैप्टर प्लेलिस्ट में जाके सब देख लो। नौवां नंबर न्यूमेरिकल है तो बता ही दे रहे हैं। नौवें नंबर में क्या कहता है? नौवें नंबर में कहता है किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है तो उसका वर्तमान ज्ञात करो। किसी द्रव का क्रांतिक कोण C बराबर 45 अंश दिया है तो म्यू बराबर ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9, तो म्यू बराबर होता है 1/sin C, तो म्यू बराबर 1/sin 45, तो 1/, अब sin 45 का मान होता है 1/√2, √2 पर चला जाए, 1.414, ये इसका मान इतना आएगा। ये फार्मूला होता है, सी का मान 45, sin 45 का मान 1/√2, √2 ऊपर चला गया तो ये, और इसका मान 1.414 होता है। अथवा में दिया है, नौवें का आर दिया है, एक लेंस दिया गया है और इसकी फोकस दूरी जो 0.5 मीटर है और उसकी क्षमता ज्ञात करना है। पी बराबर होता है 1/f, तो पी बराबर 1/0.5, तो पी बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/5/10, तो पी बराबर 10/5, दशमलव हटा दिए तो पी बराबर 2 डायोप्टर, ये उसकी क्षमता इतनी होगी। यह बराबर 0.5 दिया है। बता दें जब फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब तो फार्मूला लगाएंगे 100/f। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो क्षमता पी बराबर 100/f लिखेंगे, लेकिन मीटर में है तो 1/f लिखा गया, 0.5 है तो दशमलव हटाए तो 5/10, 10 ऊपर चला गया, ये 2 डायोप्टर। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को नाम एवं तरंग दैर्ध्य 8 चैप्टर प्लेलिस्ट में जाके, गामा किरण परावैनी किरण के दो दो उपयोग 8 चैप्टर, द्रव तरंग क्या है सिद्ध करो ये 11 चैप्टर, निरोधी विभव संस्तब्ध विभव क्या है ये भी 11 चैप्टर, प्राचीर विभव क्या है ये इसमें आप जाएंगे ये 14 चैप्टर, प्राचीर विभव क्या है और जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए इसका मान कितना होता है। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट, और इनकी परिभाषा आप जाके 14 अध्याय में पढ़ लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, फिर उसकी अथवा में लिखा है अग्र एवं पश्चिम नीति में अक्षय पथ की चौड़ाई, बहुत अच्छा पॉइंट। पीएन सन्निधि डायोड में अक्षय पथ की चौड़ाई जो होती है वो 10^6 मीटर होती है। अक्षय पथ की चौड़ाई 10^-6 मीटर होती है, ये अक्षय पथ की चौड़ाई 10^-6 मीटर, लेकिन उसमें कोई अभिनत नहीं रहता है तब, और यदि अग्रश्मित में कह दिया जाए तो 10^-6 मीटर से कम अभिनत
अपश्च अभिनीत में, ये अग्र अभिनीत में रहेगा तो अग्र अभिनीत में लिखना होगा 10 इहात माने 6 मीटर से कम, अपश्च में यही लिखना पड़ेगा 10 इहात माने 6 मीटर से अधिक, याद रखना इसको। इसमें पूछा है आप अपश्च अभिनीत में आप 6 पर्त की चौड़ाई, तो अग्र अभिनीत 10 इहात माने 6 मीटर से कम, पश्च अभिनीत में 10 इहात माने 6 मीटर से अधिक, और यदि कोई अभिनीत नहीं लिखा है तो सिर्फ 10 इहात माइनस 6 मीटर ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आइए 13वां नंबर क्वेश्चन 3 अध्याय का है, कृपया आपका निम्न 3 अध्याय। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो 4 अध्याय का है, उसमें प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। हाइड्रोजन की तरंग से परावर्तन और बर्तन की व्याख्या 10 अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट। बोर मॉडल के अनुसार एनिमिक कक्षा की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र 16 नंबर क्वेश्चन 12 अध्याय, और पियर्सन डायोड की कार्य विधि 14 अध्याय, अर्धतरंग दृष्टिकारी 14 अध्याय, लेंस निर्माता सूत्र 9 अध्याय, और ये अथवा वाले भी 9 चैप्टर का ही है। 19वां नंबर LCR परिपथ की प्रतिबाधा और अथवा AC डायनमो, ये 7 अध्याय के हैं। गास प्रमेय का कथन और एक अनुप्रयोग 1st चैप्टर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एवं उसमें संचित ऊर्जा का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 20, ये 2nd चैप्टर का है। तो इस प्रकार से ये पूरे पेपर का सलूशन, जो क्वेश्चन नहीं थे उसको हमने बता दिया, जो क्वेश्चन प्लेलिस्ट में छपे हुए हैं मतलब उसमें दिए गए हैं उनका वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। जो ना मिले उसको आप पूछ सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, उसका वीडियो आपको बता दिया जाएगा कहाँ है, नहीं है तो बना के भेज दिया जाएगा। थैंक यू।